और नंबर दो या तीन नंबर ये तीन जगदीशा रामायण में महाराज दशरथ के 760 रानी है। मैं समझ रहा हूँ जेना यहाँ तक पहले के राजा लोग का जिंदगी भर ब्याह हुए कब 760 और उनमें से तीन रानियों का दर्जा ऊंचा था ये पट रानियां और संतान किसी के नहीं। महाराज दशरथ ने एक कन्या को गोद लिया था अपने मित्र की कन्या को जिसका नाम था शांता और ये शांता जो थी यह फर्रुखाबाद जिला में जो पड़ता है सिंगी रामपुर यही आश्रम था सिंगी ऋषि बाबा का ये यही बुलाई गई उन्हीं को बुलवाया गया और जब यज्ञ हुई एक पुरुष महाराज प्रकट हुए हाथ में खीर का कटोरा है राजा दशरथ को दिया कि जाओ अपनी रानियों को यथा भाग बराबर दे दो तो अरन भाग कौसल्य दीना ध्यान देना सभी भक्तों तो कथा सुनो तो कथा को ढालो उसमें रमो फिर देखो तो जब खीर मिली अब तीन रानियां पट रानियों को दे रहे केवल अब देख कैसे रहे हैं वो भी ध्यान दे अरन भाग कौसल्य दीना उभय भाग आधे कर खीर जो रहे कटोरा की आधी तो दे दई कौसल्या और आधी में से आधी दे दई केकई को और जो चौथाई भाग बचो बच गया वो रख दिया सुमित्रा के लिए। लेकिन भगवान की माया से एक चील आई और वो खीर का कटोरा ले गई और जब वो खीर का कटोरा ले गई अब साब खीर नहीं बची और जब खीर नहीं बची अब वो खीर का कटोरा लेकर के चील जा रही है और इधर गौतम ऋषि की जो बेटी थी अंजनी उनको श्राप गौतम ऋषि ने दिया था कि तू माँ के साथ मिलकर के ऐसा काम किया है जा मैं श्राप देता हूं तेरे कुंवारे पे लला पैदा होगा। तो अंजनी घर छोड़ करके गुफा में चली गई पर्वत पे कि हम जब काऊ पुरुष को मुंह नहीं देखे तो देखे कुंवारे पे लला कहां से पैदा हो जाए तो वह खीर ले जा रही थी चील तो जे सो रही थी तो वह खीर लला इनके मुंह में गिरी और ताई से क्यों अब हम प्रमाण दे दे रघुपति की बहुत बड़ाई और तुम मम प्रिय भरत बहुत बड़ाई की कि हे हनुमान तुम हमारे सेवक नहीं बल्कि हमें इतने प्रिय हो जितने कि हमारे लघु भाई भरत हमें जितना प्राण से प्यारा है उतना ही तुम हो क्यों भरत खीर से पैदा है तुम हो इसे क्षमा करें अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। अब जब खीर नहीं रही तो कौशल्या को दया आएगी बिन ने अपने में से आती और केकई ने अपने में से आती निकाल निकाल के सुमित्रा को दे दी तो सुमित्रा के भोगो डबल भाग मतलब ज्यादा पहुंच गई डबल खीर पहुंच गई तो कौशल्या के एक केकई के एक और डबल खीर पहुंचने के कारण सुमित्रा के भय दो। अब आ जाइए हमारे गांव के सभी भक्त कटरा के निवासियों अब भगवान आ रहे हैं बड़ा सुंदर सुहावना समय है भैया सभी लोग प्रेम से बोलेंगे छोटा सा एक लाइन।